गुड मॉर्निंग भारती, पूनम, मॉर्निंग, सोनिया, ज्योति, गुड सविंदर, न्यूतन, प्रिया, अन मेरी मॉर्निंग, गुड दीप्ति मॉर्निंग, गुड मैम। मॉर्निंग गुड एवरीवन, मॉर्निंग, आज गुड तो हैशटैग मॉर्निंग मनाते हैं क्या मॉर्निंग, बात गुड है। मॉर्निंग दीप्ति गुड जी, मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फॉर आज बीइंग वेरी येट अनदर ब्यूटीफुल डे ऑफ द कॉन्फिडेंट। फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. आई मीन लाइक वी हैव स्टार्टेड फेब्रुअरी फ्रॉम टुडे. So we all know that there is a practice that we do on every first, which is we make a 100 list of the things that we love. Like I love a beautiful weather, I love sun, I love all the nine planets, I love my health, I love to have a beautiful hair, I love to enjoy the best of health, I love money. So this is how we kind of make a list of all the things we love. जो हम में से जब पावर बुक पढ़ रहे हैं हम तब से ये वाली प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं कि हर फर्स्ट को. मैं अभी भी करती हूँ, मेरा बिल्कुल ब्रेक नहीं आया है. हाँ, ऐसा कभी कभी हुआ है कि फर्स्ट को आई हैव नॉट बिन एबल टू राइट, देन आई डू इट ऑन द सेकेंड ऑफ द मंथ. लाइक फर्स्ट को नहीं तो सेकेंड, बट आई ऑलवेज मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई लव, जो उसमें बताया हुआ था प्रैक्टिस में. सो वी कैन डू दैट टुडे सिंस इट इज फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी एंड इट डजंट टेक उसमें कोई बहुत, इट इज जस्ट 100 लाइन्स दैट यू हैव टू राइट. दैट आई लव अ परफेक्ट हेल्थ, आई लव माई ब्यूटिफुल थ्रोट, आई लव माई वॉइस, आई लव माई लंग्स, आई लव माई किडनीज, आई लव माई बॉडी, आई लव माई लेग्स, लाइक दैट वे डिफरेंट थिंग्स. आई लव माई वर्क, आई लव माई होम, दैट वे. दिस इज वॉट वी नीड टू काइंड ऑफ जस्ट राइट 100 ऑफ देम, 100 ऑफ देम. ओके, सो वी कैन ट्राई डूइंग दैट टूडे. अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, अगर आप सिर्फ 21 लिख सकते हो तो वो भी चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है दैट यू हैव टू राइट 100 ओनली, एनीथिंग वर्क्स. देर इज नॉट अ सिंगल थैंक यू एंड लव एंड ग्रेटिट्यूड जो वेस्ट जाता है कभी भी, बिकॉज ये सब अकाउंट में एड होता जा रहा है. ठीक है, और जब बहुत जरूरत पड़ेगी ना, एंड देन इट विल बियर द फ्रूट्स फॉर अस, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो या दैट्स वॉट वी हैव टू डू टूडे. एंड इंसिडेंटली आई एम टेकिंग द सेशन टूडे. आई वॉज नॉट सपोज टू टेक बिकॉज आई हैड अ फ्लाइट राइट नाउ विच वॉज टू डिपार्ट एट 7:45. सो रोज फ्लाइट जैसे हो रही है, मेरी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, तो इसीलिए पहली वाली बुक मैं ही लूंगी अब. और सेकेंड बुक क्योंकि मैंने प्रिया को कमिट किया था और आज का सेशन पूरी तरह से प्रिया ही ले रही थी, तो सेकेंड वाली बुक वो ही लेंगी. मैं बस पहली वाली किताब ले रही हूँ. अब मेरी फ्लाइट थोड़े देर की हो गई है, मतलब दोपहर शाम टाइप से, अर्ली इवनिंग की. सो दैट इज हाउ इट इज लाइक. सो इट जस्ट दैट आई अपियर टू बी हियर व्हेन मेनी पीपल न्यू दैट आई वॉज फ्लाइंग आउट दिस मॉर्निंग. सो मैं सुबह से बस वही रीअरेंज कर रही थी. सारी फ्लाइट सोल्ड आउट आ रही हैं, सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई इन अ रो, मतलब 12 बजे तक की तो मिली नहीं है कोई. सो देन आई थॉट दैट ओके चलो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू. बट हीरो बुक प्रिया ही लेंगी. हीरो का हमारा बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है वैसे भी आज. सो आज हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, मैग्निफिसेंट आउटकम. आई थिंक ये सबसे ज्यादा यूज चैप्टर है आफ्टर मैजिक फुटस्टेप्स एंड मैग्निफिसेंट आउटकम. मतलब आपका कोई काम गड़बड़ नहीं हो सकता, मतलब लिटरली. मैंने आज सुबह देखा, मतलब कैसे पहले जब मैं जैसे उठी तो आई नॉर्मली स्विच ऑफ माई सेल एंड स्लीप. सो व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग तो मैंने वो एयरप्लेन मोड से हटाया तो उसमें मैसेज आया हुआ था एयरलाइंस का कि आपकी फ्लाइट इज कैंसल्ड और आप रीस्केड्यूल कर लो या फिर देख लो कैंसिल रिफंड कराना है. तो ऑब्वियसली रीस्केड्यूल ही था बिकॉज ऑफिशियल ट्रिप है, जाना बहुत जरूरी है. सो सबसे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम करके कोई पैनिक मोड नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास. दैट किस तरह से कैसे रीअरेंज होना है एंड एवरीथिंग. द ट्रैवल एजेंट वेकिंग अप एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग वॉज लाइक क्वाइट अ दिस थिंग. वैसे भी वो 24 आवर्स उनका होता है. एवरीथिंग वेंट अप सो स्मूथली. जो अगली जो भी फ्लाइट अभी बुक हुई है उसका बोर्डिंग पास भी आ गया, सब ठीक है. फिर उसके बाद जो आज दिन भर में ऑफिस के काम का जो लॉस होना था वो भी फटाफट उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया कि ठीक है वो मीटिंग अब ऑनलाइन हो जाएगी, अभी वो 10 बजे से मैं शुरू कर दूंगी. सो लाइक जब आप कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कुछ भी हो रहा हो, जब लाइक व्हेन वी आर एट ईज एंड व्हेन वी हैव दैट पावर टू बैंक ऑन द यूनिवर्स एंड नो दैट इट विल हैपन एग्जैक्टली द बेस्ट वे पॉसिबल, तो कोई काम गलत नहीं होता. मैग्निफिसेंट आउटकम का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट है, जो भी कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है आपके काम का, वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो, है ना, और उसके लिए थैंक यू बोल देते हो एंड दैट्स अबाउट इट. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है. कोई भी काम, अगर आपको कोई ईमेल भी लिखनी है ना, उसके पहले मैग्निफिसेंट आउटकम, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग ईमेल दैट आई रोट टुडे
एज इफ वो ऑलरेडी हो चुकी है. सो इवन इफ इट इज यू नो लाइक से कॉलिंग अप अ फ्रेंड ओके एंड जस्ट चिट चैट नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, उसके पहले भी तो हम कर सकते हैं ना. मतलब हर चीज का परिणाम आप पहले से ही थैंक यू अगर कर देते हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता यूनिवर्स के पास, बिकॉज दैट थिंग अनफोल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो दैट इज वॉट मैग्निफिसेंट आउटकम इज. इस पे बैंक लीन करने लग जाए हम इस वाली प्रैक्टिस पे, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. सो इसमें इमेज जो है उसमें the person going into you know a segment, जो भी काम आप करने जा रहे हो, कोई significant काम है ना, मतलब it just could be going for shopping, it could be attending a wedding, it could be having people, मतलब जो भी काम आपका next है जिसके लिए आप उसका result के लिए पहले से thank you बोल रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें enter कर रहे हो, इसीलिए दरवाजा बना हुआ है. तो ये दरवाजा खुला है, उसमें आप वो काम करने के लिए जा रहे हो मेटाफोरिकली, और जब आप बाहर जाते हो तो उसके पहले ही आपने खूब सारा ग्रेटिट्यूड का आपको डस्ट नजर आ रही है इसमें, एंड लाइक अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट. सो इसमें आप जब कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो तो उसमें पहले से खूब सारा ग्रेटिट्यूड भर के जाओ, ताकि वो काम वैसे ही बहुत, बिकॉज एनर्जी मैटर्स इन एवरीथिंग एनर्जी मैटर्स. कोई भी काम आप कर रहे हो आप देखना कि उसमें सब एनर्जी का गेम होता है. अगर आपने एनर्जी अच्छी दी है तो वो जरूर से काम बहुत ब्यूटिफुली यू नो ब्यूटिफुल तरीके से अनफोल्ड होगा. अगर उसमें एनर्जी डाउट वरी फियर अनसर्टेनिटी इन सब की है तो वो काम आप 100% मेहनत डालो ना तब भी उसका परिणाम ठीक नहीं होगा. सो इट इज ऑल्सो इसीलिए हम ग्रेटिट्यूड की 580 हर्ट्स यू नो लाइक इतनी पावरफुल एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, सो दैट इट अनफोल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन द मोस्ट मैजिकल वे. सो दैट्स हाउ इट इज. सो मुस्कान पढ़ रही है आज. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मैम. तो मैं मेरे नाम से गुड आफ्टरनून ही आता होगा ना, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे आफ्टरनून नहीं दिया ऑफिशियली. तो तुमको क्या हो गया गुड आफ्टरनून मैम? एक मिनट, बस एक सेकंड दीजिए, मैं एक मिनट आ गई. हाँ हाँ यू रीडिंग फ्रॉम योर बुक? नहीं नहीं मैम. ठीक है, आप सेटल इन हो और इसी किताब को मतलब ये वाली जो ऑफ कोर्स बुक है, तो आज के जो इब्राहिम हिक्स की बुक है इसमें इसको सेगमेंट इंटेंडिंग बोलते हैं, कि आप लाइफ में कभी भी अपने पूरे दिन भर में जैसे चार मेजर सेगमेंट्स होंगे है ना, मतलब एज एन एग्जाम्पल एक होगा मे बी एक जिम वर्कआउट होना, जैसे अगर मेरी लाइफ में तो आज मेरा पहला सेगमेंट होगा जिम वर्कआउट करना, फिर सेकेंड सेगमेंट होगा वो मीटिंग करना जो मुझे ऑफ साइट लेनी थी वो अब मैं ऑनलाइन लूंगी, ठीक है, तो वो होगा. थर्ड होगा ऑफ कोर्स टू फ्लाई डाउन टू दैट सिटी वेयर आई विल बी हेडिंग टुडे, थर्ड सेगमेंट ये होगा. तो तीन मेजर मोस्ट सेगमेंट्स है, नॉट फोर, आज तीन मेजर मोस्ट सेगमेंट है. तो तीनों के पहले आई विल से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, द मोस्ट अमेजिंग फ्लाइट एक्सपीरियंस दैट आई हैड व्हिच वाज सो मच फन एंड सो मच इजी एंड सो रिलैक्सिंग, है ना, इस तरह से. तो पहले से ही थैंक यू बोल दिया. मीटिंग होगी तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग मीटिंग विच वॉज सो मच फन इंटरैक्टिव इजी एंड सो कंक्लूसिव. सो पहले से ही हमने थैंक यू बोल दिया, है ना, इस तरह से हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं. सो मुस्कान आर यू रेडी? हाँ जी मैम. हाँ जी, थैंक यू. Day 21 मैग्निफिसेंट आउटकम्स. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. By G.K. Chesterton, 1874 to 1936 writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck.
All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you cannot count, something you can count on. A pilot does not hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that law of gravity will keep you on the ground, so you don't float off into space. You know, there is no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you want, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sport game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental check. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday party, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seat for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to great magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use magnificent for another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and you're told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome. Before you pick up the call or open the email or letter, most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally,
You won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction. And you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed. Whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in a situation that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of the three situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to Dash. For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take three phone calls, or before you open three emails, or three letters in the mail. Before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can, and mentally say and feel the magic words, "Thank you for the magnificent outcome to Dash." You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcome you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it and in the future. If you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Point number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings
Write why you are grateful for. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Point number two. At the beginning of the day, choose three things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Point number three, list your three things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too, dash. Point number four, as you go through your day, choose three unexpected events that come up in your day where you can be grateful for magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Point number five, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Muskan. Thank you. तुम्हारे वो बीच बीच में वैसे exclamations and all, they come out so well, you know, when you read. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. I just want to start with a quote which is there, G.K. Chesterton का शुरू में. So this actually, ये पूरा essence हमको बता देता है chapter के बारे में. So that says that grace का मतलब होता है thank you बोलना, जैसे हम बचपन में बोलते थे thank you for the food that we have, thank you for the water that we drink, thank you for this, thank you for that, thank you for everything. School में ये mandatory होता था, जब भी खाने का डब्बा खुलता था. So it was always that you put a bat and then you put your tiffin box and then ये वाली poem बोलनी होती थी. It was like a poem only. ठीक है, तो वो वाली जो चीज है, दैट वॉज सेइंग ग्रेस. ओके, सो इवन नाउ लाइक क्रिसमस में हम लोग देखते हैं दैट क्रिसमस डिनर जब सब साथ में कर रहे होते हैं तो दे होल्ड ईच अदर्स हैंड एंड दे क्लोज देयर आईज एंड दे से थैंक यू फॉर द मील, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर माई रिलेशनशिप्स, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट क्रिसमस मील. सो इट इज लाइक दैट, यू नो, कोई भी चीज करने के पहले उसके लिए थैंक यू बोलना, दैट्स दैट्स कॉल्ड डूइंग अ ग्रेस, राइट? सो जी के चेस्टर्टन बोल रहे हैं, जो यूके के राइटर हैं, कहते हैं कि हम मील्स के पहले तो सब मोस्टली ग्रेस बोलते ही हैं, बट वो कहते हैं कि मैं तो कॉन्सर्ट अटेंड करने जाता हूँ या ओपेरा अटेंड करने जाता हूँ, उसके पहले भी मैं थैंक यू बोल देता हूँ. फिर वो बोलते हैं कि कोई मैं प्ले और पैंटोमाइम अटेंड करने जाता हूँ तब भी मैं ग्रेस बोलता हूँ, और मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तब भी मैं ग्रेस बोलता हूँ कि थैंक यू दैट आई कुड रियली एब्जॉर्ब इट सो वेल, यू नो दैट वे. एंड ग्रेस बिफोर स्केचिंग, मतलब स्केचिंग करने, पेंटिंग, स्विमिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कोई भी काम करने के पहले वो थैंक यू बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस इज दैट सेइंग थैंक यू इन एडवांस बिफोर समथिंग हैपेंस, बिफोर यू एंटर इनटू डूइंग समथिंग, सो दैट गारंटीज, इसमें लिखा हुआ है ना वर्ड, एंड इट इज गारंटीड दैट द आउटकम विल बी मैग्निफिसेंट, मतलब जो भी परिणाम होगा हमारे उस काम का वो बहुत अच्छा होगा अगर हम पहले से थैंक यू बोल दें और उस सेगमेंट की एनर्जी ही पूरी तरह से चेंज कर दें और इतनी हाई लेवल की एनर्जी लेके आ जाए विच इज लाइक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, तो वो काम गड़बड़ नहीं हो सकता. बिकॉज ये चीज हम बहुत लोगों से सुनते हैं दैट आई रियली होप इट हैपेंस, यू नो, आई रियली विश, आई रियली थिंक दैट ये वाला काम हो जाए ना मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, आई रियली वॉन्ट टू डू इट बट लेट्स सी, आई रियली थिंक, अब देखो चांस 50-50 है, आई रियली थिंक ऐसा हो जाए. ये सारी चीजें, डाउट वाली जो चीजें हम बार बार अपने दिमाग में लाते हैं, यू नो, जैसे अगर आप कोई गिफ्ट खरीदोगे और आप ये सोच रहे हो आई रियली, यू नो, लाइक आई होप मेरी फ्रेंड को ये पसंद आए, मैंने उसके लिए गिफ्ट किया है, आई रियली विश उसको ये साइज फिट हो जाए, आई रियली विश उसको ये कलर पसंद आ जाए. सो हम पूरा दिन ऐसे डाउट डाउट वाली चीजों के साथ बिताते हैं, है ना, जैसे अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमेशा ये होता है कि पता नहीं ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा, देन वी आर लाइक, यू नो, कि पता नहीं ये ऐसे ये लिस्ट तो मैंने बना ली है बट इसमें से ये चार तो हो जाएंगे आज बट दो का मेरा मुझे डाउट लग रहा है, ऐसे दिस इज अ नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल थॉट प्रोसेस रादर, कि दो का डाउट लग रहा है, लेट्स सी ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. तो यहाँ पे कोई होप, चांस, लेट्स सी, यू नो, लाइक आई रियली विश, आई रियली होप, इन सबको हटा दो, ठीक है, और आप डिसाइड करो कि आपको क्या आउटकम चाहिए एंड देन उसके लिए थैंक यू बोल दो. तो मैं पहले तो आउटकम डिसाइड करो, जैसे अगर शॉपिंग करने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आई रियली विश, मीनो, मेरा ये वाला साइज मिल जाए, मेरा साइज यहाँ मिलता नहीं है कभी भी, ठीक है, सो
देन पहले से ही आप थैंक यू बोल दो थैंक यू दैट आई गॉट अ परफेक्ट ड्रेस इन द परफेक्ट साइज टुडे, यू नो इट वॉज लाइक रियली आइडियल फॉर मी. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग शॉपिंग आई डिड टुडे. ठीक है, अब आपने सुबह सुबह ये पहले से ही लिख दिया. ठीक है, तो यूनिवर्स को आपने कमांड दे दिया, उसमें लिखा हुआ है ना, वेन यू आस्क द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेन यू कंबाइन ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर बाय आस्किंग द यूनिवर्स फॉर समथिंग, वो जरूर से वैसे ही अनफोल्ड होता है. इनफैक्ट 1+1 के साथ आपको मिलेगा. ठीक है, दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. आप जाओगे एक चीज के लिए, आपको अपने ही बजट में 2 या 3 चीजें मिल जाएंगी. सो दिस इज हाउ इट मैजिकली अनफोल्ड्स. लेकिन ये वरी वाला जो फीलिंग होता है ना, ये हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजों में बिकॉज ऑफ पास्ट प्रोग्रामिंग है ना, कोई चीज है जो शायद पिछले 10 बार ठीक तरीके से नहीं हुई है, या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, आपको उसके घर पार्टी में या सोशल ओकेजन पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है, हर बार जब आपको वहां पे जाना पड़ता है तो आपके मन में डाउट हो जाता है कि यू नो मैं जाना तो पड़ेगा, रिश्ते तो निभाने हैं मुझे, लेकिन आई यू नो लाइक आप दिल से खुश होके नहीं जाते हो, क्योंकि 10 बार वो वहां पे ऐसा कुछ हुआ है विच यू डिड नॉट लाइक, सो यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ यू नो गोइंग अगेन, बट जाना पड़ेगा बिकॉज ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो अब आप फाइनली जब वहां पे जा रहे हो, तो उसके पहले क्यों नहीं मैग्निफिसेंट आउटकम कर लें, और आप देखना कि वो सेम पर्सन जिसका बिहेवियर आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, द सेम पर्सन मेक्स यू फील सुपर स्पेशल, एंड देन यू आर ऑस्ट्रक एज टू वाह व्हाट इज दिस, यू नो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, सडनली कैसे हो गया कि दिस पर्सन इज यू नो लाइक बिहेविंग सो वेल, सडनली इसके बिहेवियर में चेंज आ गया, वो आ गया, बिकॉज आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया था. पहले तो आपने आस्क किया यूनिवर्स से, लोग आस्क करने की बजाय परेशान होने लग जाते हैं. ठीक है, दिस इज वॉट हैपन्स, सो एटलीस्ट आस्क, और आस्क के साथ में ग्रेटिट्यूड थैंक यू भी मिला दो. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, यूनिवर्स से जब आप कुछ मांगते हो वो जरूर पूरा होता है, और उसके साथ में जो डाउट वाली एनर्जी है उसको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. सो द सेम एनर्जी ऑफ डाउट, द सेम एनर्जी ऑफ नॉट बींग वेरी कंफर्टेबल फॉर डूइंग सम पर्टिकुलर थिंग, आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके आपने ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बना दी है, एंड दैट इज वॉट दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो हम जो भी हमारे आज के, हमको 3 सेगमेंट, बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, और रॉन्डा बर्न ने बोला है कि 3 हमको चूज करने, सुबह सुबह करने की प्रैक्टिस है ये, अभी करनी पड़ेगी. ठीक है, एकदम सेशन के बाद, और 3 सेगमेंट्स आप अपने दिन के देखो जो 3 आपको करने हैं, और उसमें स्पेशली वो सेगमेंट्स देखो कि जहां पे आपको थोड़ा सा वो है, थोड़ा आपको लग रहा है लोचा, यू नो जहां पे ये होगा कि नहीं होगा, यू नो शुड आई डू दिस, डाउट हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा फियर है, थोड़ी एंजाइटी है, ऐसे वाली 3 चीजें आप चूज करो और उनको लिखो. थैंक यू लिख के करने वाली प्रैक्टिस है ये. ठीक है, जो 3 एक्सपेक्टेड है, इसमें 3 हमको एक्सपेक्टेड लेने हैं और 3 अनएक्सपेक्टेड लेने हैं, तो जो एक्सपेक्टेड वाले हम लेंगे उनमें हम लिखेंगे जो सुबह सुबह करेंगे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग वर्कआउट टाइम टूडे दैट आई रियली लव्ड एंड एंजॉयड एंड लेफ्ट मी सो मच एनर्जाइज. ठीक है, इफ आई हैव टू राइट आई विल राइट दिस, बिकॉज आई एम लकी दैट आई गॉट टाइम टू वर्कआउट टूडे, मुझे ही लग रहा था मेरा जिम छूट जाएगा और वो सब. सो अब वो हो गया, अब सेकेंड सेगमेंट जो भी है, मीटिंग होनी है बहुत जरूरी है वो, तो उसके लिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट इनक्रेडिबल मीटिंग विथ सो एंड सो पीपल टूडे, यू नो विच वॉज सो कंक्लूसिव सो इंटरैक्टिव एंड यू नो एवरीबडी गॉट अ ग्रेट लर्निंग टूडे, थैंक यू सो मच दैट. ओके, थर्ड सेगमेंट विल बी थैंक यू दैट माई फ्लाइंग टू सो एंड सो सिटी इज लाइक रियली अमेजिंग एंड इट्स सो मच फन, थैंक यू सो मच फॉर सच एन ईजी रिलैक्स ट्रैवल डे. ओके, सो ये हो गया इस तरह से. अब वो 3ों चीजें जिसमें अगर डाउट था, जिसमें कुछ अनसर्टेन थी, जिसमें शायद प्रॉबेबिलिटी थी कि वो काम बहुत अच्छे से अनफोल्ड ना हो, अब ऑप्शन ही नहीं है ना, एवरीथिंग विल हैपन परफेक्टली. ओके, और 3 ये रिटर्न वाला है, द अदर थ्री आर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. कभी कभी होता है ना, एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है, यू नो समवन जस्ट सेज दैट आई वांट टू टॉक टू यू, एंड देन यू डोंट नो लाइक यू नो क्या बात करनी है क्या नहीं है, एकदम से मन में आता है इसको क्या बात करनी है,
बॉस ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरे बच्चे के स्कूल से क्यों फोन आया होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की इसने। फिर इस तरह से होता है ना, जैसे किसी का भी तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज है वो 3 अनएक्सपेक्टेड के पहले भी हमको करना है, तो वो तो बस आंख बंद करके ऐसे ही बोलना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द ग्रेट फोन कॉल विद सो एंड सो पर्सन, बिकॉज वन एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड तो हमने सुबह सुबह 3 लिख ही लिए हैं। सो दिस इज हाउ दिस प्रैक्टिस वर्क्स, इट्स अ पावरफुल प्रैक्टिस। और बार बार इसमें 2 जगह रोंडा बर्न ने ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपको मैग्निफिसेंट आउटकम यूज करने की आदत पड़ जाती है तो आपकी जिंदगी में मैग्निफिसेंट आउटकम की बारिश हो जाती है, एंड देन मोर एंड मोर मैग्निफिसेंट आउटकम विल कीप कमिंग टू यू। एंड दिस वर्ड इटसेल्फ इज सो पावरफुल एंड सो ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ नहीं ना, इट्स मैग्निफिसेंट, इट्स लार्जर देन लाइफ, इट इज द बेस्ट, इट इज सो सरियल, इट इज अमेजिंग, इनक्रेडिबल, दैट्स वॉट दैट वर्ड मैग्निफिसेंट कुड मीन, राइट? सो वेन हर चीज का परिणाम आप डिसाइड कर सकते हो, इवन इफ यू आर मेकिंग अ ड्रॉइंग, इफ यू आर मेकिंग अ स्केच, इफ यू आर मेकिंग अ लोगो, इफ यू आर मेकिंग अ प्रिंट और वट एवर इट इज, ठीक है, उसके पहले थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द ग्रेट डिजाइन और अ ग्रेट स्केच दैट आई मेड विच वॉज सो लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन, सो दैट इज इट, एंड देन देर इज नो डाउट, देर इज नो अनसर्टिनिटी, नथिंग, यू डिसाइडेड द रिजल्ट, आपने उसमें एनर्जी ग्रेटिट्यूड की डाल दी है, देर इज नो वे, एंड दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी थिंग इज अबाउट एनर्जी। जैसे ही आपका दिमाग डिविएट होके किसी उस ट्रैक पे जा रहा है या इस ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है, पता नहीं होगा, ये नहीं होगा, इवन जनरली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रैक्टिस राइट नाउ, वैसे भी अगर आपकी एनर्जी ऐसी जा रही है कि किसी चीज के आपको फियर होने लग गया है, आपको लग रहा है दैट ओ माय हेल्थ, इज दैट, इज दिस, इज दिस, इज दिस, ठीक है, एंड अब वो हो गई होगा ना, बिकॉज एनर्जी हेल्थ में अच्छी नहीं गई है। सो नॉट सो मेनी ऑफ यू नो, वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई हैव नॉट बिन वेल इन द लास्ट 3-4 डेज, नॉट दैट यू कुड मेक आउट, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर, मतलब, एंड डायग्नोज विद सम डिजीज विच इज नॉट क्योरेबल ऑन टॉप ऑफ दैट। So then went to the doctor 2-3 days back on Monday, and the doctor said that, oh, ये तो ऐसा ऐसा है, and that word itself is like, oh my God, like I was like, क्या बात कर रहे हो? फिर anyhow वो बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, उन्होंने उन्होंने बोला था, फिर उसके बाद सेकेंड ओपिनियन लेना तो बनता था बिना चुपचाप, मैं तो मतलब मैंने कितना ग्रेटिट्यूड इन कुछ दिनों में लिखा है मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड सिंपल एक लाइन है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी, कोई दिमाग मैंने नहीं डाला इधर उधर उधर उधर, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी, मैं लिखती जा रही हूँ लिखती जा रही हूँ, मैंने गिनती छोड़ दिया है, मतलब सुबह मैं लिखती हूँ, मैं दोपहर को कभी टाइम मिलता है तो लिख लेती हूँ, मैं रात को लिख लेती हूँ, इस तरह कर करके सिंपल सी एक लाइन है। फिर कल हम सेकेंड ओपिनियन लेना जरूरी था ना, बिकॉज एकदम से ऐसी कोई चीज अगर हो जाती है आपको तो आप सोचते हो, एंड यस्टरडे माय सिचुएशन वाज ऑल क्लियर, एंड मतलब जो सेकेंड डॉक्टर से ओपिनियन लिया था वो सेकेंड डॉक्टर इज अ पद्मश्री अवार्डी, और उनसे तो मतलब अपॉइंटमेंट मिलना ही अपने आप में एक वो है, सो एनी हाउ मेरे लिए तो सब आसान था, बिकॉज मैंने पहले से ही सब डिसाइड कर लिया था कि एक बार में अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऑफिस के पहले के टाइम में मिलेगा, ऑफिस में बिल्कुल मिस नहीं करूंगी, बहुत इजी होगा, मेरा वेटिंग टाइम 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा, पूरे स्टाफ को पहले से ही स्टाफ गैजेट्स मशीनरी मतलब वहां पे जो केमिकल्स मेडिसिन जो उनको करना था सबको पहले पहले से ही मैंने पूरी तरह से उसमें सैचुरेट कर दिया था, मैजिक डस्ट में पूरा, है ना, पूरा गोल्डन कलर के हॉस्पिटल में कल मैं घुसी हुई थी, मेटाफोरिकली गोल्डन हॉस्पिटल में, क्योंकि सब गोल्डन डस्ट से सैचुरेटेड थे सारी मशीनें वशीनें, और सिचुएशन वाज टोटली, आई मीन ही सेड दैट तो 100% हील हो गया है ओवरनाइट, तो मतलब वैसे, और वो पहले वाले डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, इनफैक्ट ये जो सेकेंड डॉक्टर से मिली ये बोल रहे थे ये मेरा जूनियर ही है एम्स हॉस्पिटल में, ये दोनों एम्स हॉस्पिटल से पढ़े हुए हैं, तो दोनों ने अपना एमएस किया हुआ है एम्स से, सो बोथ ऑफ देम लाइक ही सेड ही इज माई जूनियर, और फर्स्ट में देखा तो ओ माई गॉड इतना सारा प्रॉब्लम, और दूसरे वाले ने बोला तो उन्होंने देख के कहा कि ये तो 100% क्लियर है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आप देखो ओवरनाइट भी लोग वो होते हैं ना हील,
isn't it? So hence proven, जैसे maths में करते थे, algebra में, hence proven that gratitude works big time. ठीक है, तो लेकिन सब एनर्जी का गेम था. मैंने एक सेकंड के लिए भी, हाँ मैं आके रो रही थी आधे घंटे तक अपने बेटे के साथ बैठ के, आई वॉज सिटिंग एंड क्राइंग बिकॉज ऑब्वियसली. ठीक है, तो लेकिन उसके बाद यू नो, सो दिस इज व्हाट ही वाज आल्सो सेइंग दैट मामा लाइक यू, हाउ विल यू प्रूव दैट दैट द प्रैक्टिसेस वर्क. आई मीन यू हैव टू प्रूव विक्ट्री, एंड हाउ विल यू प्रूव विक्ट्री टू एनीबॉडी? किसी का विश्वास कैसे बनेगा जब तक यू डोंट गो थ्रू इट एंड यू डोंट टर्न अराउंड दैट सिचुएशन, राइट? सो एनी हाउ उसके बाद एवरीथिंग वॉज ओके. मंडे फिर मैं काम पे नहीं गई थी, इनफैक्ट मेरा वेबिनार था यहाँ पे, सो पीपल फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन नो दैट इन दैट कंडीशन ओनली आई हैड टेकन माई वेबिनार. उसके बाद घर से ही लेना पड़ा क्योंकि ऑफिस नहीं जा सकती थी. और फिर ट्यूजडे को मैं अच्छे से ऑफिस गई, वेंसडे कल सुबह मेरा वो था. सो बट देन इतना सारा, जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, अब मैंने ना ये आई एंश्योर जब ऐसा हुआ था दैट एनर्जी मैं शिफ्ट नहीं करूंगी, मैं एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं होने दूंगी. मेरे मन में डाउट आएगा, मुझे रोना आएगा, मुझे कुछ भी आएगा, आई विल कॉन्स्टेंटली कीप सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक. ये मेरा नॉन स्टॉप चल रहा था, थैंक यू टू एवरी. तो यही सेंटेंस था बस मेरा, एक जो कहते हैं ना कि आपका, ये मेरा बीज मंत्र था, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी. और कुछ नहीं, मैं कोई वो बॉडी पार्ट और उसके लिए बिकॉज इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, ये बस मैं बोलती गई, सोचती गई, लिखती गई, ऑफिस में बिजी रही ट्यूसडे को पूरे दिन. ठीक है, इस तरह से. और यस्टरडे इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेंट, यू नो, डॉक्टर सेड दैट आई डोंट सी एनीथिंग देयर, बट ऑफकोर्स माई ट्रीटमेंट कंटिन्यूज फॉर 15 डेज एंड इट इज लाइक दैट एंड इट इज सो सिंपल. सो एनर्जी जैसे ही शिफ्ट की, अपने आप वो हीलिंग एनर्जी बॉडी की एक्टिवेट हो गई. वो हीलिंग एनर्जी बॉडी की एक्टिवेट नहीं होती क्योंकि बीमारी को एनर्जी ज्यादा जाती है. ठीक है, गूगल सर्च, ये वो सोचना, बार बार बोलना, लोगों का बार बार पूछना, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स. सो देर वॉज जीरो एनर्जी इन दैट. मैंने तो बताया भी नहीं किसी को, यू नो, लाइक नो बडी मीन्स नो बडी. एंड आई मीन लाइक अ फ्यू ऑफ यू नो बिकॉज आई वॉज हियर इन देयर. और एडमिन का पीछे ये जूम कॉल्स में ना बहुत वर्क होता है, मतलब हमें लगता है कि बस हम सुबह, ये सुबह का, दोपहर का, शाम का सेशन ले लेते हैं, बट बहुत सारे एडमिन वर्क होता है बिहाइंड द सीन जो करना होता है, यू नो, टू मेक दीज सेशंस हैपन. देर आर थिंग्स ऑन द यूट्यूब, समटाइम्स देर सम थिंग्स. सो ऑफकोर्स लाइक प्रिया वुड नो एवरी थिंग, यू नो, बिकॉज हम लगातार पूरे दिन ही टच में रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, इस तरीके से. सो दैट वॉज हाउ इट वॉज. एंड देन मेरा सबसे बड़ा ये था कि मुझे यहाँ से ट्रैवल करना था, एंड ट्रैवल तो मुझे बेस्ट हेल्थ में करना था. तो मैंने यूनिवर्स को कमांड दे दिया था कि अगर मेरे ट्रैवल में कुछ वो आया तो फिर इट विल नॉट बी अ गुड थिंग, यू नो, लाइक. सो धमकी भी दे दी थी मैंने यूनिवर्स को, आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वॉट, आई डोंट नो वेदर. और ये मुझे बहुत अच्छे से पता था कि जब मैं मंडे को हॉस्पिटल से सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही थी, तो अपनी लिफ्ट पे जा रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ के लिफ्ट पे जा रही थी, तभी मैंने अपने आप को बोल दिया था दैट यू नो लाइक दिस इज जस्ट गोइंग, आई मीन आई एम यूनिवर्स को बोला था आई एम गिविंग यू 24 आवर्स. इट इज लाइक, कहते हैं ना कि जैसे बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट होता है 3,000 realms इन अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ. इसका मतलब है एक मोमेंट में, एक एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में आपके पास 3,000 choices होती हैं जो आपके आउटकम को अफेक्ट करती हैं. तो आप कौन सा वाला, कौन से रेल्म में इस वक्त रहते हो, वो आपका आउटकम डिसाइड करेगा. तो 3,000 choices होती हैं. तो मैंने कहा उसमें से चॉइस तो 3,000 की 3,000 एक ही चॉइस है, परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी, इसके अलावा कुछ नहीं है. और कल जाने के पहले, जब कल मैं हॉस्पिटल गई, तो मैंने इतना सारा, मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम भी एक छोटा सा वर्ड है, मैंने सब कुछ प्री डिटरमिन कर दिया था कि कैसा होगा. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट एक सेकेंड की भी मेरी वेटिंग नहीं थी कहीं पे भी. जस्ट वेंट, ठीक है, काउंटर अपॉइंटमेंट, एंड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर जिनके लिए लोग कई बार दिनों दिन, यू नो, वो कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, एंड एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस. इट वाज सो सिंपल, इट वाज सो इजी. ट्रीटमेंट कंटिन्यूज बट आई एम ऑलरेडी हील्ड, है ना. उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जीरो है, जीरो ट्रेस दिख रहा है इस वक्त मुझे, और ये कैसे हो गया. वो भी ये सरप्राइज थे. अब उनको मैं क्या बोलती, ठीक है, कि ये तो हो नहीं था.
तो इसी तरीके से पहले से ही थैंक यू बोल के आउटकम डिसाइड कर, जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। और ये आदत होती है एनर्जी चेंज करनी एडवांस में, किसी भी चीज के लिए हो जाए, ठीक है, कितनी भी चीज बड़ी है या छोटी है या कैसी भी है, जस्ट डिसाइड द आउटकम एंड एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, दैट्स अबाउट इट। ओके, सो या दैट्स अबाउट इट। सो वील जस्ट काइंड ऑफ इसमें एग्जाम्पल्स ये हैं कि आप कैसे कैसे यू नो मैग्निफिसेंट आउटकम किसी भी चीज के लिए ले ले सकते हो। जैसे लिखे हुए कि इफ यू मिस योर बस और ट्रेन ऑन योर वे टू वर्क, इफ यू मिस अ फ्लाइट, अब मिस फ्लाइट मिस करोगे तो कितनी नेगेटिव एनर्जी जाएगी ना उसमें, उस वक्त कहाँ आप थैंक यू बोलोगे, थैंक यू फॉर अ परफेक्ट रेजोल्यूशन, नहीं निकलता। ह्यूमन नेचर है, सबसे पहले भी ग्रेविटेट टूवर्ड्स अ नेगेटिव सिचुएशन, है ना, कि ओ गॉड फ्लाइट मिस हो गई, अब क्या होगा, अब मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, पता नहीं अगली फ्लाइट कब की है, यही सोचते हैं ना। सो इंस्टेड थैंक यू फॉर अ परफेक्ट रेजोल्यूशन ऑफ माई फ्लाइंग फ्रॉम दिस सिटी टू दिस सिटी, दैट्स इट। आप खुद ही देखोगे अपने आप सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट हो जाएगा। मेरी तो हैदराबाद से, अगर आपको पता है कि हैदराबाद से चेन्नई की, आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस फॉर पीपल पीपल हु आर रेगुलर, दैट मेरी माई बोर्डिंग गेट चेंज विदाउट एनी अनाउंसमेंट, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, एंड आई मिस दैट फ्लाइट। ठीक है, एक होता है आप परेशान हो रहे हो, अरे फ्लाइट हो गई, मेरा सामान चेक इन हो गया था, मेरा सामान इस वाली फ्लाइट में चला गया, बोर्डिंग गेट कैसे कर लिया, कितना बेकार स्टाफ है, बताया भी नहीं, एयरलाइंस कैसी है, ये वाला नॉर्मल होता है ना हमारे, दैट हाउ कुड यू नॉट इन्फॉर्म मी व्हेन द बोर्डिंग गेट वॉज चेंजिंग, आई एम सिटिंग एट गेट नंबर 115 एंड यू मेड इट 104। ठीक है, आई डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। सो क्रूशियल मोमेंट में पता लगता है कि आप कितने पानी में है। तो फिर वो जो मोमेंट आया उस वक्त मैंने कहा थैंक यू टू द स्टाफ, थैंक यू टू दिस, थैंक यू टू ऑल माय फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस, थैंक यू टू द पायलट्स एंड टू द स्टाफ वर्किंग एंड ऑल द सिक्योरिटी पीपल एट द एयरपोर्ट। ये वॉक कर करके मैं वापस गई सीआरपीएफ के, वहीं तक जा सकते हैं जब आपकी फ्लाइट बोर्डिंग से मिस होती है तो। सो वहां पे गई और कोई मतलब मुझे कोई एंग्स्ट या गुस्सा नहीं था स्टाफ की तरफ, एंड देन आई टोल्ड देम दैट, फिर वो एयरलाइंस के लोग आए, मैंने उनको बहुत शांति से पहले से ही डिसाइड कर लिया था थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय परफेक्ट रेजोल्यूशन, यू नो, एंड देन दे सेड दैट अभी वो 10:30 की फ्लाइट थी जो मेरी मिस हुई थी, उन्होंने बोला दैट 1:15 पे नेक्स्ट फ्लाइट जा रही है, एंड ऑफकोर्स माई चेन्नई फ्रेंड्स नो हियर बिकॉज वो लोग मुझे सब लेने आने वाले थे। चेन्नई लुक्स लाइक अ होम, इट इज एक्चुअली अ होम, इतने सारे लोग मुझे लेने के लिए आने वाले थे, वो भी वो आते हैं तो वो खाना भी लेके आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ गए, यू नो, ये पी लो ये खा लो, वर्षा तो इज लाइक माई मॉम, सो वो उस तरह से एंड एवरीथिंग वॉज यू नो। तो वो आई 1:15 की फ्लाइट आ गई, मैं आराम से गई अपनी रागी की इडली खाई, उतनी देर में मेरा बोर्डिंग टाइम आ गया। सब लोगों से उन्होंने 2,500 रुपीज लिए थे, 2,500 रुपए सबने दिए थे अपने नेक्स्ट फ्लाइट के, है ना, जो ये मिस हुई थी उसे नेक्स्ट फ्लाइट के। आई वॉज ओनली वन, नो वन आस्क, दे जस्ट गेव मी द बोर्डिंग पास ऑफ द नेक्स्ट फ्लाइट, दे डिडंट आस्क मी फॉर द मनी, फिर मैंने भी नहीं पूछा, मैंने कहीं बोल ही नहीं रहे तो व्हाई शुड आई आस्क, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई जस्ट गॉट माई, एंड यू विल अनदर थिंग मैग्निफिसेंट आउटकम थैंक यू बोलने का रिजल्ट ये होता है कि उसके अलावा एक और चीज हुई कि बाकी जितने भी पैसेंजर्स थे जिनकी मिस हुई थी, क्योंकि हमको गेट चेंज अनाउंसमेंट तो हुई नहीं थी बोर्डिंग गेट की, सो सबके लगेज चले गए थे चेक इन बैगेजेस इस वाली फ्लाइट में जो चेन्नई जा रही थी, सो और मेरा वाला जो लगेज था वो डिपोर्ट हो गया था, तो उन्होंने फिर फोटो खींच के जो बोर्डिंग पास इशू कर रहा था, मैंने कहा व्हाट अबाउट माय लगेज, हैज इट गॉन इन दिस फ्लाइट ओनली, बिकॉज आई हैड अ चेक इन, बिकॉज माय दैट ट्रिप वाज वेरी लॉन्ग, आई वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू गोवा, गोवा टू दिल्ली, ये मेरा ट्रिप था विच वॉज वेरी रिसेंटली, आई मीन लाइक 3 महीने हो गए उसको, तो इस तरह से, तो ऑब्वियसली बहुत दिनों का था तो इसीलिए चेक इन बैगेज भी था बिकॉज द बैगेज वॉज बिजी। तो पूरे उसमें से जिनकी भी फ्लाइट मिस हुई थी, ओनली माय बैगेज वाज यू नो लाइक इट वाज यू नो डिपोर्टेड फ्रॉम द फ्लाइट, ऑफलोडेड, वो ऑफलोड करके उन्होंने बोर्डिंग गेट पे रख दिया था और उन्होंने बोला ये नेक्स्ट वाली फ्लाइट जब आपकी है तो उसमें हम दे देंगे। इमेजिन देयर वर सम 8 पीपल जिनकी फ्लाइट मिस थी, आई थिंक देयर नंबर वॉज मोर देन 8, एवरीबडी वॉज हाउलिंग, ओके, उनकी एनर्जी दूसरी थी और मैं अपना मस्त खड़ी हुई थी, कोई वो नहीं, एवरीथिंग वुड बी फाइन, एंड देन दिस इज हाउ My luggage was offloaded and my luggage actually went in my flight only, जो मेरी 1:20, 1:15 की flight थी, which reached at 2:45 or something to Chennai. So this is how life is, जब energy change करते हैं, ठीक है? तो ये मैं सब live example बता रही हूँ कि इन areas में जिनमें आपकी energy,
हेल्थ के सेक्टर में अगर आपको कोई ऐसी चीज बताएगा कि आपको ये बीमारी है, ठीक है, और मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड ही बहुत वैसा, तो फिर आप ऑब्वियसली घबराओगे ना. सो ठीक है, वो रिएक्शन हो गया, उसके बाद से थैंक यू थैंक यू थैंक यू चल रहा था. तो एनर्जी वॉज थ्रू आउट गुड, इट इज नॉट वेरी इजी टू बी इन दैट एनर्जी, है ना. एंड सेकेंड थिंग दैट हैपन वॉज, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी फ्लाइट मिस हो गई, ये भी आज भी सुबह हुआ, तो मैं बड़ी आराम से अपने मस्ती से, यू नो, आई एम डूइंग माई थिंग्स, एंड देन आई वॉज थिंकिंग दैट ओके यूनिवर्स जस्ट गाइड मी वॉट टू डू. देन द इंस्पिरेशन केम कि अरे ऑनलाइन कर लो, जितना भी आज वाला वहां करना था, डजेंट मैटर, और फिर कंफर्टेबली जाके यू कैन स्लीप ऑन टाइम, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ अ फील. सो इट इज सो चिल्ड आउट एंड रिलैक्स, क्योंकि हर चीज के पहले थैंक यू हो जाता है. तो किसी चीज में भी जब थैंक यू की एनर्जी जाती है, तो वहां पे होल, हील्ड, कंप्लीट, हारमोनियस, विक्ट्री, सक्सेस अपने आप हो जाती है, बिकॉज इट कम्स विद दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी, एंड दैट्स हाउ वंडरफुल इट इज. ओके, सो वील जस्ट गो टू द प्रैक्टिस नाउ, एंड देन प्रिया कैन टेक ओवर, बिकॉज आज का पूरा सेशन ही उनको लेना था. या सो मॉर्निंग में काउंट माई ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स, और उसके बाद उनको री रीड करके 3 बार मुंह से आवाज निकाल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बोलना है, ठीक है. और आज का, आज सुबह सुबह करने की प्रैक्टिस है, 3 चीजें या सिचुएशन आज के बारे में ऐसी चूज करनी है जिसमें आपको बहुत अमेजिंग आउटकम चाहिए, उनको लिख के करना है, और लैंग्वेज ये होनी चाहिए, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश डैश डैश, ठीक है. जो मैंने आपको 3 अपने एग्जाम्पल बताए, वो उस तरह से लिखना होता है. और इसके अलावा 3 अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड लिख के नहीं कर सकते ऑब्वियसली, है ना. तो बस आंख बंद करके बस मन में सोचना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग फोन कॉल और ईमेल और मीटिंग और वट एवर इट इज, और शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐसा. और फिर रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, हाथ में अपना पत्थर लेके पूरे दिन भर में अच्छी अच्छी चीजें सोचो जो हुई, और उसमें से बेस्ट चीज निकालो, और फिर सो जाओ. और सोने के पहले फिर से कोई अच्छी सी इमेज मन में डाल के सो, अच्छा सा वर्ड, अच्छी सी इमेज, कुड बी सक्सेस, बट सक्सेस के मायने क्या आपके लिए, वॉट इज सक्सेस टू यू, इज इट बाइंग बाइंग अ जैगुआर, इज इट बाइंग अ हाउस, इज इट रिसीविंग एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, वॉट इज दैट मीनिंग टू योर सक्सेस, है ना, दैट यू हैव टू पुट दैट सीड इन योर हेड जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, एंड यू सी इट्स गोइंग टू जस्ट ब्रू एंड ब्रू एंड ब्रू एंड ब्रू लाइक अ वाइल्ड फायर वेन यू स्लीप, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट सोने के बाद होता है, ठीक है. सो जैसे ही कॉन्शियस माइंड शट हो जाता है, जब आप सो जाते हो तो कॉन्शियस माइंड शट हो गया, अब सबकॉन्शियस माइंड अवेक हो जाता है, और वो अपने तरीके से काम करता है. दैट्स अबाउट इट. सो या, दिस इज, दीज आर द प्रैक्टिसेस फॉर टुडे. यस, ओवर टू यू प्रिया, एंड हाउ डू यू वांट टू गो, आई जस्ट मेक यू द होस्ट, राइट? Yes, ma'am, यस please मैम, do. प्लीज. So, good morning, everyone. Good morning from Priya's desk today. So, I'll be sharing the book. One second, just give me a moment. Yes, ma'am, it's okay. कर पा रहे हो? मैंने तो होस्ट बनाया नहीं अभी. ma'am, को होस्ट कर सकता है. हम मैम जस्ट को-होस्ट भी कैन कर शेयर द सकते बुक. हैं। ठीक है. So here, as we all know, that we are reading this book. The second book that we read is Hero, written by Rhonda Byrne. So we have already read up the whole book. We know now that when you have a calling for something, we all have to look into our life, that what is the calling of our life, where we want to steer our life to, where we want our professional life to go to, how can we monetize the thing, how can we stay in gratitude while moving on in life. So now we are just in the late most part, the end part of the book, and Rhonda Byrne has discussed about the thing that how these heroes like Michael Acton Smith, like Liz Murray, like Peter Burwash, how they are using their money and the things for the charity purpose, for the CSR activities. In India also, people do that. And it's a quite a social responsibility for all the corporate houses. So how they are doing it, we are going to read about this. So Sanju from Bangalore will be reading it, reading for us today. Yes, Sanju, you can continue. You can start reading from here. Featured in Hero. Featured in Hero. Through revenue received from this book, the secret company is honored to contribute to the following
foundations and charities of heroes contributors. Michael Action Smith. Michael Action Smith is the CEO. Michael Acton Smith. We have to take the name properly, hai na? Michael Acton Smith is the CEO and the creative director of Mind Candy, the kids' entertainment company behind the global phenomenon Moshi Monster. Moshi Monster is an online game and virtual world, but also include toys, trading cards, magazines, a book, and a movie. Michael continues to lead Mind Candy with his vision of building the greatest entertainment company of the digital generation. The Moshi Foundation. Michael established the Moshi Foundation as a grant giving organization to assist children and young people through the world. To date, grants have been provided to support advances in education, health, and wealth, to overcome financial hardship, and to assist in therapy and education of children with special needs and disabilities. Yes. So here we read about Michael Acton Smith. उन्होंने जो उन्होंने एक माइंड कैंडी के नाम से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है फॉर द किड्स, वो चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, वो फॉर द इम्पॉवरिश्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, बिकॉज एंड फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल ऑल्सो, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर पहले, एंड उसके इंस्पाइट ऑफ दैट ही बिल्ट दिस ब्यूटिफुल कंपनी. उसके बाद जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन से जब वो करने लग पड़ते हैं, the amount that she gets from the profit of the organization, he devotes a big part of that to the people in need, to the people, especially the children in need. So he has this Moshi Foundation naam ki jo company hai, the organization hai inka, it works for that. And this is very much thing that we all like, bahut sare log bacche jo hai inko jante bhi honge, bahut sare games khelte hain, to ye unke liye kaam karte hain, so that jo people hai, jo bacche hai, jinko wo privileges nahi milte hain padhne ke and all, वो उनके उनको मिल सके वो, है ना, तो इसलिए वो काम करते हैं. सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स लेन बीचली. हाँ जी संजू. लेन बीचली इज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव फीमेल सर्फर इन हिस्ट्री एंड द विनर ऑफ अ रिकॉर्ड 7 वर्ल्ड टाइटल्स. She is currently vice president of the International Surfing Association and sits on the board of Surfing Australia and the Sport Australia Hall of Fame. Lane continues to surf every day, occasionally competes in masters events, and is a motivational speaker. Lane Beachley aim for the Star Foundation. For the Stars Foundation, Lane established the Lane Beachley aim for the Star Foundation with the goal to provide financial support and encouragement to young women and girls to have them realize their dreams. The program is open to dedicated females throughout Australia in the field of sports, academia, or community and cultural pursuits. Lane's aim is to help these young women and girls in their quest to achieve greatness. So Lane Beachley के बारे में हम लोगों को पता है कि she has been a great surf, the greatest surfer ever females में, and उनको जो ये 7 titles मिले थे, in spite of the challenging situation that she faced, she was an adopted child, तो उनको जब इस चीज का पता चला था, उनको बहुत बड़ा setback लगा था अपने life में. उसके बावजूद उन्होंने
कमबैक किया एंड शी फॉट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एंड नाउ शी इज डूइंग अ लॉट फॉर द ऑल द पीपल. ऑस्ट्रेलिया में मेजरली काम करती हैं वो, जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो यंग फीमेल्स हैं, जिनको जिनके कोई मॉम डैड नहीं होते हैं या ऑफन्स हैं, उनके लिए वो काम करती हैं और इस तरह से उनको आगे लेके आ रही हैं. खाली सर्फिंग के वर्ल्ड में नहीं, उनको एजुकेशन में भी हेल्प करती हैं, उनके लाइवलीहुड में हेल्प करती हैं, उनको मोटिवेशन देकर हेल्प करती हैं. बिकॉज शी वॉज वेरी मच बहुत ज्यादा परेशान थी वो, उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा परेशानियां देखी थी. शी वॉज जस्ट इन ऑर्डर टू यू नो अवॉइड द सर्कमस्टांसेस, शी यूज टू फाइट अलॉट अपने आप से, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट एक्सरसाइजेस वगैरह करके, बहुत कोशिशें करके उन्होंने ऐसा कर लिया अपने शरीर को कि वो काम नहीं कर पाती थी. बट शी फॉट बैक, उन्होंने काम किया और काम करने के बाद उन्होंने 7 वर्ल्ड टाइटल्स क्लिंच किए, जो कि बहुत बड़ी बात थी. सो नाउ शी हैज दिस फाउंडेशन नेम क्लेन बीचली, एम फॉर द स्टार्स फाउंडेशन. एक्चुअली इट्स लाइक टाइथिंग. हम लोगों ने रिलीजियस पर्पसेस में बहुत सारे लोग जानते होंगे ना कि हमारी जितनी भी कमाई होती है ना, कमाई का 10वां हिस्सा हम लोग दान करते हैं. तो द सेम विद सीएसआर जो चीजें है ना, वो वहां से आई है, वो रिलीजन से आई है एक्चुअली, कि टाइथिंग जो हम लोग करते थे. तो इसीलिए हर एक कंट्री का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, देन यू हैव टू डिवोट अ पर्टिकुलर अमाउंट टू द सीएसआर एक्टिविटीज. सो इसके लिए ये लोग जब कमा लिया, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, नाउ दे आर डूइंग दिस फॉर द सोसाइटी एंड साथ साथ में करते रहते हैं. ऐसा नहीं कि मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा तभी मैं हेल्प करूंगा. वी कैन हेल्प इन आवर ओन वे. जितना भी है हमारे पास, उसका टाइडिंग करके उसका 10वां हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा तो दे ही सकते हैं ना. तो इस तरह से इन्होंने काम किया, जस्ट नॉट इन द मनी के मैटर में नहीं, फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं, उनको एजुकेट करके, उनको मोटिवेट करके बच्चों को उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सभी ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं अभी इसके बारे में. पीटर बरवॉश. या पीटर बरवॉश इज अ फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिवील्ड टेनिस कोच रिवर्ड टेनिस कोचेस ऑफ ऑल टाइम. पीटर इज फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेनिस मैनेजमेंट कंपनी पीटर बरवॉश इंटरनेशनल, प्रोवाइडिंग टॉप लेवल टेनिस कोचेस एंड इंडिविजुअल प्रोग्राम्स इन 32 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. पीटर इज ऑल्सो अ बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड इन डिमांड मोटिवेशनल स्पीकर. Care for Vrindavan. Vrindavan. As a result of his international travels, Peter has come to support the Care for Vrindavan organization, a US-based charity that raises funds on behalf of impoverished Vrindavan religion of India. Local communities are provided with basic necessities, enabling them to build self-resilience for the future. Specifically, this charity funds the education of thousands of otherwise neglected Indian girls so that they may reach their full potential. Yes, this person से ये अपने देश के लिए नहीं, हमारे लिए भी कर रहे हैं. There are many Americans also ना, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा कर रहा है इंडिया के लिए, अफ्रीका के लिए. तो ये सभी के सभी जो ये टेनिस प्लेयर्स हैं, इन्होंने हमने इनके बारे में पढ़ा था ना, जो व्हील चेयर में जो लोग हैं उनके लिए भी टेनिस वाले टूर्नामेंट्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको भी सिखाते हैं. सो दे डू सो मच फॉर अस. सो इट्स रियली वंडरफुल दैट वो वहां पर रह के वृंदावन में जो अंडर प्रिविलेज जो गर्ल्स हैं, या फिर वृंदावन में आप लोग देखोगे बहुत सारे हमारे इंडियन कम्युनिटीज में, पहले ना आप लोगों ने अगर वाटर मूवी देखी हो तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो फीमेल्स हैं स्पेशली वेस्ट बंगाल में, वहां पर ना बहुत सारा बहुत अत्याचार होता था, विधवा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो वो बहुत सारे लोग वृंदावन में आज भी शरण लिए हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, हो सकता जिनको अपने उनके घरों से निकाल दिया गया था, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको केयर की जरूरत है. सो दिस पर्सन इज वर्किंग फॉर देम.
दोज पीपल जो कि उनको पता भी नहीं कहाँ से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, लेकिन स्टिल ही इज डिवोटिंग सो मच टाइम एंड हिज मनी टू द पीपल इन इंडिया इन द वृंदावन एरिया, जहां पर लोग साधना, मतलब उनको यही बोला जाता था ना कि तुम वहां पर जाके साधना करो, खाली पूजा पाठ करो. सो वो वहां पर है, बहुत सारे होमलेस पीपल है वहां पर, स्पेशली लेडीज ऑफ यंग एजेस एंड एल्डरली ऑल्सो. सो ही इज वर्किंग फॉर दैट. नाउ कम्स पीट कैरल. हाँ संजू. Pete Carroll is an American football coach and winner of two national championships, along with multiple conference and divisional titles. Pete is currently head coach and executive vice president of Seattle Seahawks, where he was recently awarded NFC Coach of the Year. A better LA and a better Seattle. Pete is renowned for his philanthropic work, particularly for his efforts to reduce gang and youth violence in Los Angeles and Seattle. Pete established a better LA and a better Seattle, which aims to empower individuals to create safer and stronger communities. These organizations partner with community-based organizations to provide families and youth with the tools, mentorship, and support to help them thrive. So Pete Carroll, chunki wo football coach hai, तो उनको पता है, ही स्टेज विद द यंगस्टर्स ना, सो ही कम्स टू नो कि यंगस्टर्स क्या फेस कर रहे हैं वहां पर अभी, जो यूएस में है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज में चले जाते हैं, फैमिली जिनकी डिस्टर्ब्ड होती है, तो वो एक खराब रास्ता अपना लेते हैं. तो ही इज वर्किंग फॉर दैट एंड टू मेक द सिचुएशन बेटर इन सिएटल एंड एलए. तो वो यही करते हैं. उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट वर्क्स फॉर द यूथ बेसिकली, कि यूथ को किस तरह से राइट डायरेक्शन में रखकर उनको मोटिवेट करके उनको प्रोडक्टिव काम की तरफ लेके जाना है. दैट्स ह्यूज. वो इस तरह से काम कर रहे हैं. चूंकि वो यूएसए में भी रह चुके हैं, तो इतने सारे यूथ के साथ जब हम रहते हैं, तो हमें पता चलता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस दे आर फेसिंग, व्हाई द डिवोर्सेस आर राइजिंग. यूएस में पूरी दुनिया भर के सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट यूएस में है. सो क्यों है, तो उनको कोर तक का पता चलता है ना कैसे, तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं. मतलब जिस भी पर्सन ने जिस भी सिचुएशन को कभी लाइफ में फील किया है या कभी देखा है क्लोजली, उसके लिए ही उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर वहीं पर वो फिलेंथ्रोपी एक्टिविटीज करते हैं. तो ये सब हमारे लिए एक वो है, मतलब एक बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने बताया है कि हम लोग भी किस तरह से इन सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ कम्स जॉन पॉल द जोरी. आई नो वी हैव सरपास द टाइम, बट स्टिल मेरे ख्याल से 2-3 बज गए, कर ही लेते हैं ना मैम. सो यस संजू, जॉन पॉल द जोरी. John Paul DeJoria is a businessman who co-founded John Paul Michel System, creator of hair care products and beauty schools. John Paul is the company CEO and has achieved annual turnover in excess of $1 billion. In 1989, he co-founded and now owns the majority of the Patron Spirits company. John Paul is also passionate about environmental issues, international diplomacy, and philanthropy. JP's Peace, Love, and Happiness Foundation. Having spent time in the foster care system as a child and endured stints of homelessness as an adult, John Paul has dedicated substantial resources to his charity, JP's Peace, Love and Happiness Foundation. The organization supports environmental sustainability, social responsibility and the protection of animals, and aims to enable people to help themselves
through gardening and farming programs that equip them to feed their families and start their own businesses. हाँ जी, जॉन पॉल ने इस किस तरह से हमने पढ़ा कि पिछले बार पिछले एक दो दिन पहले ही आया था ना चैप्टर में कि मतलब उनकी मॉम किस तरह से उनको बचपन में पैसे देती थी टू हेल्प पीपल जो बहुत ही गरीब बच्चे थे. ये खुद भी बहुत ही ज्यादा डाउन वाले सिचुएशन में थे. वॉज वेरी 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 वाली फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, बट स्टिल हिज मॉम उनकी मॉम ने उनको यही बोला था कि अपने से छोटे लोगों को देखो और उनको दो. सो बचपन से ही उनके दिमाग में ये बातें थी. उसके बाद जब वो फॉस्टर केयर सिस्टम में गए, जब वो ऐसे जगह में रहने लग पड़े, तब उन्होंने देखा. एंड यू नो उन्होंने क्या, ये जो जेपीस जो पीस लव एंड हैप्पीनेस फाउंडेशन है, ये बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है. ये मैक्सिकन है, तो मेक्सिको में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि क्राइम में चले जाते हैं, जो अपने ड्रग अब्यूज में चले जाते हैं, उन सबको ठीक करने का इन्होंने जैसे इन्होंने ठेका ही ले रखा है. इन्होंने बहुत बाद में ना, पहले तो इनका मेजरली काम तो हेयर केयर प्रोडक्ट्स का है, उसके बाद उन्होंने टकीला वाली जो पेट्रन स्पिरिट्स है, वो टकीला या अल्कोहल्स बनाती हैं ऑब्वियसली, तो वहां से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है उनका. वो वाला जो रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है उसको वो यहाँ पर लगाते हैं ताकि ये जो मेक्सिको भी एक शांत सिटी बन शांत कंट्री बन पाए. अदरवाइज मेक्सिकन का नाम लेते ही ना हम लोगों के दिमाग में यही आता है कि वो सारे के सारे इलीगल काम होते हैं. कहते हैं ना कि भाई यूएसए का सारा जितना भी इलीगल काम वहां पर होते हैं वो सारे मेक्सिको से आते हैं, तो वो उस टैग को रिमूव करना चाहते हैं मेक्सिको के ऊपर से. इसलिए वो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया ताकि वो पीस लव एंड हैप्पीनेस फैला पाए मेक्सिको में भी. सो नाउ कम्स पीटर फोयो. Peter Foyo is a business executive and international telecommunication expert. Peter is regarded as one of the very best and the most innovative CEOs throughout Latin America. He serves on the board of several companies and continues to lead 7,000 strong workforce as president. Strong workforce as a president of Nextel Communications Mexico. Nextel Foundation. As a company CEO, Peter has built an admirable culture of corporate social responsibility and philanthropy. The Nextel Foundation provides support for the most vulnerable members of the community through education. The foundation supports students through scholarships and programs aimed at youth, the underprivileged and the disabled, and by funding scientific research and higher education. Yeah, it's very important na, matlab hamare jo researches hain, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो रिसर्चेस में जो पैसा लगाते हैं उसके कारण ही तो साइंटिस्ट जो हैं उनके इक्विपमेंट्स वगैरह ला पाते हैं, अपने अपने आप को रिसर्च में डाल सकते हैं, सो दैट नई नई चीजें आती रहे हमारे लिए. सो नेक्स्टल फाउंडेशन के ये जो चीफ हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को कर रहे हैं कि किस तरह से अपने कंट्री का जो है, अब मेक्सिको का नाम तो रिसर्चेस में तो बिल्कुल, ये भी मेक्सिकन है तो उनका नाम रिसर्चेस में या साइंटिफिक डिस्कवरीज में इसमें बहुत कम सुनाई देता है. तो ही दे आर ऑल ट्राइंग टू रीमोल्ड एवरीथिंग दैट आर नेचर एंड आर थिंकिंग अबाउट द मेक्सिकन पीपल. इस तरह से वो काम कर रहे हैं कि मेक्सिको का सारा नक्शा ही चेंज हो जाए, कि वहां के लोग भी प्रोडक्टिव काम करें, रिसर्चेस करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाए. सो इसलिए सो नाउ लेयर्ड हैमिल्टन के बारे में. लेयर्ड हैमिल्टन is the world-renowned big wave surfer, innovator, and pioneer of tow-in surfing, stand-up paddle boarding, and hydrofoil surfing. Laird continues to split his time between riding the big waves, developing new forms of crossover surf sport, and raise awareness for causes close in his heart. Rain Catcher. Laird and his wife, Gabrielle Risi, were recently appointed to the board of directors of Rain Catcher, a non-profit organization established to elevate the global
water crisis. Raincatcher has assisted 700,000 people worldwide through the provision of rainwater harvesting system. Raincatcher aims to provide clean drinking water to an additional 10 million people by 2050. सच एन इम्पोर्टेंट थिंग टू डू. इतना अच्छी तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लोगों को पता नहीं है ना कि बारिश को पानी को कैसे सेव करते हैं. हमारी जो जो जितने भी कंट्रीज हैं या जो सिटीज हैं वो कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, सीमेंटिंग एंड सारे सीमेंटेड रोड्स, तो खाली जमीन तो रही नहीं है ना जहां पर वो पानी एब्जॉर्ब करे सो दैट ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़े. सो ही इज वर्किंग कि हम लोग कैसे कंक्रीट के घर में से भी, लाइक हम लोग जैसे ईंट पत्थरों का हमारा मकान होता है, कंक्रीट के सारे रोड्स होते हैं, हम लोग किस तरह से वैसे सिचुएशन में भी पानी को, रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको अंडरग्राउंड पहुंचा सकते हैं, सो दैट ऐसे जगहों में जहां पर लोगों के लिए साफ पीने का पानी नहीं है वहां पर भी साफ पीने का पानी हो, इसके लिए वो काम करें. दैट्स अ ह्यूज थिंग अगेन. तो जस्ट नॉट द हेल्पिंग द पीपल, दे आर हेल्पिंग अर्थ, मदर अर्थ ऑल्सो. तो मदर अर्थ के लिए कर रहे हैं हम लोग कि वाटर को रिप्लेनिश कैसे किया जाता है, किस तरह से उसको साफ ड्रिंकिंग वाटर हमारा सप्लाई हो. कितना अच्छा होना जैसे अगर यूएस में या फिर जो डेवलप कंट्रीज में, वहां पर टैप वाटर ही ऐसा आता है कि सीधा टैप में से पानी लो और पी लो. हमारी कंट्री में तो अभी ऐसा नहीं है, पर आई नो कि हो जाएगा धीरे धीरे हमारा ऐसा भी. तो वही है कि कैसे हम लोग रेन वाटर इज रेडी टू ड्रिंक वाटर ना, हमेशा ऐसा होता है, उनको कलेक्ट करके किस तरह से हम काम पे ला सकते हैं, उसके ऊपर इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो ये रेन कैचर ये काम करती है, लेड हैमल्ट, बिकॉज ही इज सो मच रिलेटेड टू वाटर ना, पानी के तो सरताज है एंड अ मॉडल ऑल्सो, बहुत हैंडसम है ये. सो नाउ मैस्टन किप. मैस्टन किप इज एन एंटरप्रेन्योर, राइटर एंड ब्लॉगर हु यूटिलाइज सोशल मीडिया टू स्प्रेड हिज मैसेजेस ऑफ इंस्पिरेशन. मैस्टन फाउंडेड द डेली लव, अ वेबसाइट, daily email and Twitter account which reaches 600,000 subscribers a day and is syndicated through the Huffington Post. Mastin has made appearances on Orpha live class and has been featured by Orpha on her Super Soul Sunday as a next generation spiritual thinker. संजू, इट्स ओपरा. ओपरा, ओपरा विनफ्रे है ना, उनकी बात हो रही है ये. सो ये जो है, जो मैस्टन किप है, ही इज अ व्लॉगर और ये मोटिवेशनल स्पीकर है, साइकोलॉजिस्ट है ये. तो ओपरा विनफ्रे ने इनको बहुत बार अपने प्रोग्राम्स में बुलाया है, क्योंकि ओपरा विनफ्रे के प्रोग्राम में जाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उनको चांस नहीं मिलता है वहां पर जाने का. लेकिन ओपरा विनफ्रे ने इनको मोस्ट लाइक 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का दर्जा दे रखा है. मैस्टन किप को इतने अच्छी से, इतने यूथ हैं, 30-32 साल के हैं, और किस तरह से पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को चार्ज अप करते हैं अपने एक नई जिंदगी, मतलब नई जिंदगी के लिए, लाइक वेल्थ डेवलपमेंट एंड हेल्थ डेवलपमेंट एंड लाइफ डेवलपमेंट कोच हैं ये. इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एंथनी रॉबिन्स फाउंडेशन. एक्चुअली रॉन्डा वन इनके बारे में, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसलिए लिख रही है क्योंकि इन लोगों ने अपना जो जितना भी टाइम दिया है हीरो बुक में, अपना जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके लिए इन्होंने कोई चार्ज नहीं किया. तो रॉन्डा वन का जो ये फाउंडेशन है, जितना उन्होंने रेवेन्यूज में से जनरेट किया हो गया किया होगा या जो भी रॉयल्टी आएगी, तो इनके फाउंडेशन को जाएगी वो, इन लोगों ने में से कोई भी नहीं लेगा उसको, इनकी फाउंडेशन में जाएगी, इसलिए रॉन्डा वन ने इनका नाम लिखा है यहाँ पर. सो एंथनी रॉबिन्स फाउंडेशन, ये मैस्टन किप की ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ जी बोलो. मैस्टन credits his transformation to the help of life coach Anthony Robinson and in gratitude he has lent his support to the Anthony Robinson Foundation. This non-profit organization conducts programs designed to aid and enrich the lives of those most often forgotten by society, youth, the elderly, the homeless, and the prison population. तो ये एंथनी रॉबिन्स को अपना गुरु मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं ये, जो कि
जो ऐसे होमलेस लोगों, जो आर्मी वाले जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पर तो आर्मी एक बहुत ही ज्यादा अच्छे उन लोगों को सरकार देती है और बहुत अच्छे से वो आफ्टर जो रिटायरमेंट की लाइफ भी ठीक से स्पेंड करते हैं। पर यूएस में आप देखना, बहुत सारे लोगों में ऐसे देखा है मैंने, जो होमलेस होते हैं ना, वो काफी सारे फौजी भी होते हैं। तो उन लोगों के लिए काम करती है ये वाली सोसाइटी, जो है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, एंड फॉर द पीपल, एल्डरली पीपल, यूथ के लिए, जो भी होमलेस होते हैं उनके लिए, जो प्रिजनर्स होते हैं। अब प्रिजनर्स जब छूट के आते हैं तो उनको तो प्रॉपर कोई जॉब नहीं मिलता है, उनको जॉब देना ये इनका काम है, एंथनी रॉबिन्स फाउंडेशन। नाउ मुझे लगता है खाली 2 बज गए हैं, लिज मूरे एंड वो बच गए, एनेस्थीजिया बच गई होंगी, मतलब उनका पढ़ना रह गया होगा, तो कर ही लेते हैं लिज मोरे। Liz Morey is a best-seller selling author and one of the most highly sought after motivational speakers in the world. Famous for her incredible journey from homelessness to attending Harvard University, she has shared the stage with the likes of Mikhail Mikhail Gorbachev, Gorbachev. the Dalai Lama and Tony Blair, and has been honored by the White House as well as Oprah Winfrey for her inspirational work in the empowering the youth. Momentum Teens for Leadership. As a role model for teenagers, Liz is proud to support Momentum Teens from Leadership, a not-for-profit organization whose aim is to encourage, empower, and nurture leadership skills among youth. Momentum Teens offers workshops and programs that provide tools and experiences to help teens become responsible, confident contributors to their community and the world. ये मिखाइल गर्बाचोव जो थे ना, वो रशियन प्रेसिडेंट थे बहुत सालों तक, वो दलाई लामा और टोनी ब्लेयर जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ शेयर करना स्टेज को बहुत बड़ी बात होती है इन लोग इनके लिए, जो कि बिल्कुल ही रैक्स रिचेस्ट स्टोरी है। मतलब मुझे लगता है पूरे की पूरे जितने भी हमारी ये 12 बेनिलियंस के बारे में हमने पढ़ा, इनकी स्टोरी जो है सबसे ज्यादा ऐसी है कि बिल्कुल ही ड्रग एडिक्ट पेरेंट्स के बच्चों के बच्चे से लेकर 17 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, वहां से लेकर उन्होंने हार्वर्ड तक की जर्नी, इसके लिए उन्होंने नॉवल भी लिखा हुआ है, मतलब जर्नी फ्रॉम होमलेसनेस टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस तरह का इतना बड़ा स्ट्रगल उन्होंने किया, लेकिन अपने पास्ट को वो भूली नहीं, ना भूल उनको ना भूलते हुए भी उन्होंने पता चला ना, उनको पता है कि भाई किस तरह से टीन्स जो है क्या सब चीजों से गुजर रहे हैं। तो ये मोमेंटम टीन्स फॉर लीडरशिप ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका, इसको ये बहुत अच्छे से फंड करती हैं, ओपरा विनफ्रे भी इनको अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, इतनी बड़ी चीज है ये लीज मुरे। इनके अभी भी इनको ना मोटिवेशनल स्पीकिंग, इनके टेडेक्स टॉक्स भी बहुत सारे हैं, अगर हम लोग देखना चाहें ना, हम लोग अभी देख सकते हैं, काफी सारे टेडेक्स दे रखे हैं इन्होंने। पॉल और फेलिया, Paul Orfelia is the founder of Kinko's, the world leading office supplies and business services chain. Having devastated his interest in Kinko's, Paul spreads his time between passing on his knowledge and experience as a university professor and his various philanthropic interests. Orfeil Foundation. Under Paul's leadership, the Orfelia Foundation has endeavored to empower others to find their own strengths, supported programs including innovative early childhood education, high school programs for motivated students, thousands of higher education scholarships, and substantial funding for select university programs. Paul is also dedicated to assisting the plight of
single parents and ensuring healthy school food for children. पॉल, ये ऑर्फेलिया का जो फाउंडेशन है ये सिंगल पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि सिंगल जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत सारा डील करना पड़ता है बच्चों को पालने में, उनके लिए भी काम करता है. एंड फॉर द पीपल हु आर डिलिजेंट इनफ टू गो फॉर द कॉलेजेस एंड बट दे कैनॉट अफोर्ड इट, उनके लिए बेसिकली काम करते हैं कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कैलिबर वाले होते हैं लेकिन वो अपना एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे होते हैं, लाइक लीज मोरे हैं, उनकी तरह के लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पॉल ऑर्फेलिया. सो जीएम राव. GM Rao is the founder and chairman of GMR Group, a global energy and infrastructure development corporation based in Bangalore, India. A visionary business leader, Mr. Rao has more recently steered his company towards urban development and the creation of national assets such as power plant, highways, and airports. GMR Varalakshmi Foundation. Mr. Rao is a strong advocate of corporate society, social responsibility, and established the GMR Varalakshmi Foundation to address the lack of basic amenities and abject poverty within local communities. The Foundation seeks to make quality education available to everyone. Health needs are addressed through the provision of hospitals, medical clinics, and ambulances. Self-employment opportunities are created through the establishment of training institutes, and entrepreneurial programs for enterprising youth. हाँ जी, जीएमआर राव के बारे में तो हमें पता ही है कि हमने इतने दिनों से पढ़ा है, और चूंकि इंडियन है तो हम लोग और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं इनके बारे में. एंड होता है ना कि अपने अपने जैसे लगते हैं बहुत ज्यादा ये. सो ही हिज ऑर्गेनाइजेशन जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन ये काम करती है पूरी की पूरी जितने भी रूरल एरियाज में काम करती है. बहुत सारे गांव इन्होंने गोद ले रखे हैं. नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी ना तो बहुत सारे कॉरपोरेट लीडर्स को उन्होंने गांव गोद दिए थे कि हाँ ये वाले जो है ना आपने गोद लेके इनके पूरा का पूरा काम करना है. तो वहां की जो बेसिक एमिनिटीज, वहां के हेल्थ, वहां की हाइजीन, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, मेडिकल क्लिनिक्स और एम्बुलेंसेस ये बनाते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग जो है अपने अपने हेल्थ के बारे में अपने हेल्थ का ध्यान रख पाए, पढ़ाई कर पाए, इसलिए काम कर रहे हैं ये. तो इनका ये फाउंडेशन है बहुत ज्यादा एक्टिवली साउथ इंडिया में काम करता है ये. सो एनेस्थेसिया सुआरे के बारे में पढ़ो. Anastasia Soare is considered to be the definitive eyebrow expert and is a beauty industry icon. Due to her unique eyebrow shaping methods, Anastasia has built an invaluable clientele comprising the who's who of Hollywood and maintains flagship salon in Beverly Hills and Brentwood. There are also Anastasia Bros Studio in high-end departmental stores worldwide, and she has personally developed and released a range of executive eyebrows and makeup products. Anastasia Bright Horizon Foundation. Through the Anastasia Brighter Horizon Foundation, young adults emerging from the foster care system are offered scholarship to pursue career in beauty and skincare. Funding and support is provided to assist with beauty schools, education, internships, hands-on training, and the job placement. The aim is to create self-sufficiency and a foundation for the future.
एनास्टेसिया के बारे में तो हम लोगों ने पता है, हम लोगों पढ़ चुके हैं कि उनके जो आईब्रो एक्सपर्ट, उनको क्यों बोला जाता है कि आईब्रोज के ही बहुत सारी चीजें, मतलब मैं उनका एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा वो ना करके बता रही थी किस तरह से करना है, उनको स्केल करके ये करके वो कर, आईब्रो के ही इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनको, खाली आईब्रो के हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर ओनली टू यू नो ब्यूटिफाई द आईब्रोज. सो कहाँ से लेकर वो कहाँ पहुंच गई है, वो खाली आईब्रो से लेकर आईब्रो के बनाती थी, उसके बाद सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने लग रही है, सब कुछ कर रही है. उसके बाद जो उन्होंने करा, उसको उनको पता है कि किस तरह की जो चीजें हैं, अपने फीमेल्स जो हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी मान लो नहीं भी हैं, वो किस तरह से अपना इनकम जनरेट कर सकती हैं, वोकेशन किस तरह से वो एक नया बना सकती हैं. तो वो वहां पर उन लोगों को जो फॉस्टर केयर सिस्टम से आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा मान लीजिए एजुकेटेड नहीं है और इजिली घर के साथ अपना ब्यूटी ब्यूटी का पार्लर का अपना बिजनेस कर सकते हैं, उन लोगों को फ्री में एजुकेट करती है किस तरह से हम लोग ये कर सके. सो उनका जो ये फाउंडेशन है, अनस्तासिया ब्राइटर होराइजन फाउंडेशन, ये उन लोगों के लिए है जो उनको बिल्कुल जॉब प्लेसमेंट तक देते हैं, बिल्कुल फ्री में ट्रेन करते हैं किस तरह से करना है, किस तरह से काम करना है, और कितना बड़ा सौभाग्य है कि इनके साथ उनको काम करने को मिलता है. तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्टिवली आज भी काम कर रहे हैं. एंड जो रोंडा बर्न ने इनके बारे में मैंने बताया, जैसे इसीलिए लिखा है कि उनका ये सारा का सारा जो चीज है ये थैंकफुल है, मैं शी इज सो मच ग्रेटफुल टू द पीपल टू गिव दिस बुक सो मच टाइम टू अस ऑल्सो. मैं भी मतलब मुझे भी खुद बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस बुक को पढ़ के, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी इस तरह से. तो थैंक यू मैम फॉर ब्रिंगिंग दिस बुक इन टू आर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे. एक्चुअली आई वॉज इन सो मच हरी टू कम्प्लीट इट ना, सो दैट्स वाई आई कुडंट से थैंक यू टू यू ऑल्सो. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम, थैंक यू सो मच. दिस बुक Thank इज you so रियली much for वंडरफुल explaining एंड so well. Thank ओ you. थैंक यू मैम. एक्चुअली इट नीड्स अ लॉट ऑफ अप्लॉड. सो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली भी, क्योंकि बाकी सब लोगों के बारे में ना हम लोगों को पता है, हम लोग ठीक है वो हो सकते हैं इस दुनिया में नहीं है बट स्टिल वी रेड अबाउट देम, बट दीज आर लाइव एग्जाम्पल्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट वी आर डूइंग, दे आर स्टैम्पिंग दोस प्रैक्टिसेस ना कि ये करो, हमको एक दिशा उन्होंने बताई, हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बट वी डू नॉट सम ऑफ अस लाइक हम लोगों को कई बार ना फेथ हमारा डगमगा जाता है, बट व्हेन दीज पीपल आर टेलिंग अस ना कि करो ये, दीज आर द थिंग्स दैट वी आल्सो फॉलो, दे आल्सो फॉलो दीज थिंग्स ना, ग्रेटिट्यूड एंड डिटर्मिनेशन एंड कंपैशनेट एंड एम्पथी ये रखते हैं. तो ये हम लोगों को ये बता रहे हैं कि यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ, जस्ट गो ऑन, मेडिटेट करो और अपने काम करो, है ना मैम. सो या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्रेशियस अपॉर्चुनिटी टू, ये वाला जो चीज है ना इट्स रियली वंडरफुल मैम, थैंक यू सो Yeah, मच, actually, I थैंक was यू also यू hooked पी on to, like I was just wondering that, oh my God, if this is the, outcome of the success, that it is so dedicated to people. मतलब इस तरह का जिस दिन दिल हो जाए ना, उस दिन वैसे ही जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी. So, मतलब we'll go out of that world of self-consumption. एब्सोल्यूटली मैम, Yeah, thank you so much, Priya. बहुत अच्छे से समझाया. मुझे थैंक यू वो सो छोटा मच छोटा मैम, फॉन्ट लग रहा था, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था उसमें. आई थॉट लेट मी गो गेट माय चश्मा एंड वेयर इट एंड काइंड ऑफ सो बट देन बहुत सो वेल, बहुत अच्छा है थैंक यू मैम, ये सो मच, बहुत थैंक ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं, इतना सारा टाइम यू. इन्होंने दिया हमारे लिए, सीरियसली, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच. एंड रोंडा बॉयन ऑफ कोर्स, इनको पता नहीं आइडियाज कैसे आते हैं ऐसी किताबें लिखने के. कहाँ से चुन के लाए हैं, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के लोगों के तरह के बारे में भी लोगों के हमें बारे पढ़ने में को मिलेगा. इट्स रियली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये हीरो बुक हमारे लाइफ में आना ना, एग्जैक्टली सही टाइम पे आई है मुझे ऐसा लगता है. थैंक यू सो मच एंड आई हाँ, एम श्योर द काफी फोर्थ सही कमिंग बुक टाइम दैट पे विल बी रीडिंग आती इज ऑल्सो ग्रेट. है. इट्स वेरी इंस्पिरेशनल. या इट इंस्पायर्स यू टू डू समथिंग लाइक दिस. एंड देन इट्स लाइक ठीक रीडिंग टॉर 12 ऑटोबायोग्राफीज इन द सेम शॉट, लाइक नॉर्मली वी है रीड यस वन एट अ मैम, टाइम, बट दिस इज या लाइक रीडिंग 12 ऑफ देम एट वन टाइम. सो इट वॉज ट्रूली ट्रूली एब्सोल्युटली, रियली एंड इट इज वंडरफुल. वेरी वेरी मोटिवेशनल मैम, वेरी इंस्पायरिंग दैट वी मस्ट ऑल्सो डू फॉर द सोसाइटी. व्हाट एवर वी कैन डू वी मस्ट Whichever डू. way we can, whichever way we can do, like that is how we need to do. सबका अपना यूनिक तरीका होता है करने का. इट्स नॉट ऑलवेज दैट एक ही तरीके से कोई सिर्फ पैसे से कर सकता है. बट या टू बी हैविंग दैट काइंड ऑफ अ हार्ट कि मैं अपनी कंपनी और बढ़ाऊं उसके बजाय लाइक आई एम गिविंग इट टू पीपल एंड लाइक ट्रेनिंग समवन फॉर स्किल, लोगों को थ्रेडिंग सिखाना,
फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अपने आप में मतलब इस तरह की चीजें जो बहुत सारी थी, अमेजिंग इवन मिस्टर जी एम राव, लाइक इनक्रेडिबल, मजा आया ये वाली किताब बहुत ज्यादा. एंड फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट द न्यू बुक. आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग विच बुक टू स्टार्ट, बट वो होता है ना दैट फॉर अ वाइल अगर आप देख रहे हो दैट आई एम मेंशनिंग डॉक्टर जोसेफ मर्फी अलॉट, आई वॉन्टेड टू डू इब्राहिम हिग्स बुक, दैट वॉज वेरी वेरी क्लियर. फिर मैंने सोचा वो करूं कि इमेजिनेशन इज द की, करूं नेविल गॉडार्ड की, बिकॉज वो पढ़नी भी बहुत जरूरी है हमको. तो हम इमेजिनेशन इज द की तब करेंगे जब हमारी ये वाली खत्म हो जाएगी टेलीसाइकिक्स. फिर इफ यू बिन नोटिसिंग फॉर द लास्ट 1 month मैं बहुत ज्यादा मेंशन कर रही हूँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी को. और फिर कल फिर किसी ने वो पोस्ट डाला था, ऑफकोर्स प्रिया ने डाला था, दीपा ने कंपाइल किया था, और मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की मेहनत है उसमें कि सारे एफर्मेशंस को. सो यू विल सी टेलीसाइकिक बुक में बहुत रिपीटिशन हुआ है एक्सपीरियंसेस का. एक्सपीरियंस अलग नहीं है, जो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस वो ही है, ठीक है, बट उसमें अलग तरीके से इट्स बिन पुट. सो आई एक्चुअली वॉन्टेड टू डू आस्क एंड इट इज गिवन, और आई वॉज वंडरिंग नेविल गॉडार्ड की करें, डॉक्टर जो डिस्पेंसा की हम अभी थोड़ी रुक के करेंगे, ठीक है, उनकी भी हमको करनी है, बट अभी हमारा शायद वो लेवल नहीं है, अभी भी हम बहुत सेल्फ कंज्यूम्ड रहते हैं, तो उनकी तो बिल्कुल ही वैसी डिफरेंट वाली है. सो अब हम इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जाएंगे और पावर ऑफ द माइंड एंड थॉट्स को कंट्रोल करना सीखेंगे विद टेली साइकिक्स. ओके एंड ऑफ कोर्स आवर मैजिक बुक कंटिन्यूज, जो हमारी बेस है, फाउंडेशन है. एंड सो या दैट्स इट. सो या वी हैव टू क्विक क्विक एक्सपीरियंसेस विल हैव, वी हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ ओवरशॉट टाइम. प्रियंका एंड दीपा मैम, विल ओनली टू टुडे. हाँ प्रियंका, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. फर्स्ट गुड मॉर्निंग. ऑफ ऑल आई वांट टू से लव यू सो मच मैम, और आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी. हाँ तुम लोग होने ही नहीं दोगे. नेवर एवर मैम, आप तो बैकबोन हो हर चीज की, और हमारी लाइफ में तो यू आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. सो मैम, द वन शेयरिंग आई वांट टू डू इज मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में, बिकॉज द चैप्टर वॉज रिलेटेड टू दैट, उसी के लिए बोलना चाह रही थी. कल जब हम स्कूल से निकले तो बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, तो मैं अपने स्कूल के बाद बच्चों को पिक करती हूँ उनके स्कूल से, एंड देन हम घर आते हैं इकट्ठे छोटे दोनों को. तो जैसे ही उनके स्कूल के बाहर में पहुंची तो और भी तेज बारिश हो गई और ट्रैफिक जाम हो गया वहां पे, मतलब उनके स्कूल के बाहर ही लग गया था. तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यार अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो बहुत बिल्कुल ही ब्राउन दिखा रहा है ट्रैफिक अगर गूगल मैप पे देखें तो. तो ही सेड दो रास्ते हैं, तो दूसरे वाले पे रेड था, तो ही सेड नहीं वो वन वे है, उससे मत आना, ब्राउन वाले से ही आना, धीरे धीरे करके देखो, आ जाओगी, 1 घंटा लग जाएगा ये वो. मैं एक ऐसे ही टर्न पे खड़ी होगी जहाँ पे एक लेफ्ट जा रहा था एक राइट जा रहा था, तो मैं कंफ्यूज थी कि कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं. देन आई डिड मैग्निफिसेंट आउटकम टू गाइडिंग मी, यूनिवर्स गाइडिंग मी द बेस्ट वे जहाँ पे ट्रैफिक इज गोइंग टू बी स्मूथ. तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ राइट वाली टर्न पे चला गया जिस पे पूरा ब्राउन था. तो मैम उस पे आ गई, जैसे ही मैं उस पे आई मेरे को लगा कि गूगल मैप शायद गलत दिखा रहा था. पूरा रास्ता ऐसा क्लियर था मेरे लिए, थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा ट्रैफिक मिला, बट मुझे पूरे रास्ते पे कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, नॉर्मल से भी अच्छा मिला. और मैं ही सोची यार ये मैप कैसे गलत दिखा सकता है मीन. और शाम को भी मैंने बच्चों के सेशन में भी शेयरिंग की, और मैम एक शेयरिंग मैग्निफिसेंट आउटकम से रिलेटेड, तो कल तो मजा ही आ गया, मतलब पता ही नहीं चला अच्छा ट्रैफिक भी था यहाँ पे, इतना आराम से मेरे सामने सामने क्लियर होता चला गया, शायद यूनिवर्स ने वो मेरे लिए किया. और सेकेंडली मैम, डॉटर का आज एग्जाम था छोटे वाली का, तो शी वॉज इंसिस्टिंग कि नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है. मैंने कहा बारिश हो रही है नहीं जाना, नहीं मैम नहीं मानती. तो मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम करके उसके टीचर को एक मैसेज किया कि मैम कैन यू जस्ट प्लीज कंडक्ट आवर एग्जाम टुमारो, क्योंकि इट्स रेनिंग और मैं अलग, मेरा अलग टाइमिंग है आजकल, बच्चों का 9 to 2 हो गया है 3, तो उनका अलग टाइम है. टीचर ने मैम 1 सेकेंड के अंदर ओके मैम नो इश्यूज आई विल टेक हर टेस्ट टुमारो, तो वो भी हो गया. तो आज तो मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम कल से लेके आज तक वैसे ही शुरू हुआ है हर चीज में. तो थैंक यू एक्सलेंट, सो मच मैम. क्या मतलब आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं. आप रखते हो ना. एक्सलेंट, वेरी गुड, एंजॉय, ड्राइव सेफ. थैंक तुम अभी ड्राइव करते करते शेयर करती हो एक्सपीरियंस, तो मुझे वो लगता है थोड़ा. नहीं मैम, मैंने रोक लिया था साइड में, इसीलिए किया अच्छा था. ठीक यस है. मैम, ऑल राइट, थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम, थैंक थैंक यू. यू. यस दीपा, मैम, मेरे साथ भी कल कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं ना शाम को अक्सर, मतलब वीक में 4 to 5 days तो हो ही जाते हैं, कि मैं कुछ लोगों के लिए यही मैजिक बुक कर रही हूँ जो इंग्लिश नहीं समझते हैं. तो मैम, वो अभी उसमें, उस ग्रुप में 6 लोग हैं, और उनको जैसे 8:15 का कल टाइम दिया था कि मैं ये बुक करूंगी,
तो मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, उनको हिंदी में ही समझाती हूँ, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ऑल, एंड दे आर वेरी मच फोकस्ड इनटू इट. तो मैम कल क्या हुआ कि कल मुझे ना 6 बजे पानीपत रोड पे जाना था, और मैं यही सोच रही थी कि इतनी बारिश है मैं कैसे टाइम पे आके क्लास ले पाऊंगी. तो मैं बहुत ज्यादा, मैंने थैंक यू और मैग्निफिसेंट आउटकम किया अपने सेशन के लिए भी, और मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम इसलिए भी किया कि मैं वो काम करके फटाफट मैं 8 बजे तक घर आ जाऊं. और मैम इतने ट्रैफिक के बावजूद आई वॉज देयर इन टाइम, आई रिटर्न होम एट 7:40, डिड माई डिनर, गेव टू माई हजबेंड, एंड देन आई वॉज कम्प्लीटली ओके विद माई सेशन एंड आई स्टार्टेड इट ऑन टाइम. तो मैम ये मेरी शेयरिंग थी कि जब हम थैंकफुलनेस में रहते हैं तो मैम सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है. एक्सेलेंट, वेरी गुड, एंड थैंक थैंक यू यू, मैम. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बुक बुक रीडिंग, लवली, थैंक यू थैंक सो यू मच. मैम, आपसे ही सीखा है कि हमें भी लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए. जो व्हाट एवर वी हैव वी मस्ट डू फॉर द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल. एंड मैम थैंक यू सो मच, आपसे ही सब कुछ सीखा है मैम, बहुत कुछ आपसे सीखा है. और जो आप बुक्स एक्सप्लेन करते हो, प्रिया करती है या पूनम करती हैं, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम. और सच में लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस, आई कांट टेल यू, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग. इट हैज बीन वंडरफुल ऑलवेज, बट नाउ इट इज वेरी वेरी मतलब मार्वलस लाइफ वी आर हैविंग. थैंक यू मैम. ग्रेट, थैंक यू, गॉड ब्लेस दीप्ति, यू. सनराइज फॉर यू. या आई कैन सी एंड मैम, दैट. मैम, देर इज अ स्मॉल क्विक शेयरिंग आई विल डू. आई एम इन ताज ऋषिकेश राइट नाउ, एंड यू विल आई हैव बीन डूइंग दिस ग्रेटिट्यूड वॉक थ्रू एंड थ्रू. वी आर जस्ट अमिडस्ट ब्यूटिफुल नेचर, एंड थैंक्स टू यू फॉर द प्रैक्टिसेस, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ अ सडन द जनरल मैनेजर हियर गिव अस अ डिस्काउंट फॉर द स्पा एंड द फूड 20% ऑफ. Amazing. You're a money So, magnet. thank you, ma'am. Because this is like unbelievable. We are sitting there, we're just thinking if we would like to call my sister-in-law because she had that discount voucher. And all of a sudden, this guy comes and tells us, what is your room number? And we're saying 107. And he says, okay, he just made a call. And he said, this is a discount. And after that, he's saying, I'm a general manager. Sorry, I overheard your conversation, though I shouldn't have. So, this is it. Can you believe that? This is really cool. Amidst nature, beautiful. Thank you for all You the will get practices. used ma'am. to all Your of the tour these mein things. bhi bhi These will pura still, bahut these will zyada always magnetize kiya keep hai maine. coming in the best possible way. Yeah. दीप्ति, यहाँ का ये प्लांट्स देखो, दे आर सो डिफरेंट, सो ब्यूटिफुल, Yeah. सो Keep नाइस. showing थैंक्स. Goa. Beautiful. It यस is actually really amazing. It looks stunning. It looks so या picturesque. It looks like a picture postcard. Yeah. यस मैम, Thank वेरी you so वेरी much. नाइस. Absolutely. Thank you so much. Thank you. थैंक यू दीप्ति. Thank you. थैंक यू मैम. थैंक Yes. यू. थैंक यू. Jyoti, you want to share something? I'm just running out of time right now. Just unmute yourself. Yeah, if there's no time, we can do it tomorrow also, ma'am. Can we do it tomorrow? Yeah, because already crossed 7:30 for today. So yeah, all right, definitely. I'll call out your name if I remember. Otherwise, Priya is there to remind. She's got an Yes, elephant ma'am, memory. sure. Yeah. Have a Thank very you healthy so body, much. healthy mind, healthy soul. God bless you. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye God everyone. bless, Have a ma'am. magic. Thank you, Bye bye. Thank you, ma'am. ma'am. Thank Have a you so much. joyful Thank flight you. experience, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you.